नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है, पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और ये गाड़ी मेरे पास विजिट किया था, कस्टमर का जो कंसर्न था, गाड़ी पोल्यूशन फेल हो रहा था और कस्टमर ने कई जगहों पे ये पोल्यूशन चेक भी करवाया, लेकिन सब जगहों से उनको मतलब एक ही चीज़ कहा गया कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा तेल खा रहा है और इसी के कारण गाड़ी की पोल्यूशन पास नहीं हो रहा है। तो एंड में जब कस्टमर गाड़ी सर्विस सेंटर लेके आए तो मैंने गाड़ी को चेक किया। नॉर्मली पोल्यूशन फेल के केस में हम लोग जो साइलेंसर रहते हैं उसको चेक करते हैं और जो इंजन ट्यूनिंग वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम पहले नहीं मिला था। तो तब जाके मैं गाड़ी की जो कैटकॉन सिस्टम है इसको खोला। साइलेंसर खोलने के बाद अभी मुझे ये पता चला है कि गाड़ी की कैटकॉन सिस्टम पूरी तरह से डैमेज है और इसी की वजह से गाड़ी पोल्यूशन फेल हो रहा है। लेकिन ये अच्छा, ये गाड़ी तो वैसे वारंटी में था तो इसलिए कस्टमर को नया कैटकॉन मिल गया वारंटी में। लेकिन अगर गाड़ी वारंटी के बाद इस तरह का प्रॉब्लम गाड़ी में होता है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो मेनली बनाया, ताकि ये जो प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में, इसकी रीज़न अगर आपको सही से पता नहीं चलेगा तो तब आगे जाके कस्टमर का ये प्रॉब्लम फिर होगा। तो इस गाड़ी को छोड़ के वैसे मेरे पास और भी दो गाड़ी, मैंने खास करके ये वीडियो बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने चेक किया। और एक गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न था कि गाड़ी हाई स्पीड में कभी कभी पिकअप छोड़ दे रहा है और साइलेंसर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। तो इस केस में मैंने, मुझे पहले ही पता चल गया क्योंकि नॉइज़ इतना ज़्यादा हो रहा था तो अंदर की जो कैटकॉन सिस्टम है ये पूरा डैमेज होके ये साइलेंसर तक आ गया और इससे गाड़ी में इस तरह का नॉइज़ हो रहा था। और क्या है कि जो कैटकॉन डैमेज हुआ है वो आके कभी कभी साइलेंसर को ऐसे चुप कर दे रहा था। तो इस केस में अगर एग्जॉस्ट गैस सही से बाहर नहीं निकल पाएगा तो आपकी गाड़ी के पिकअप का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब मेनली जो वीडियो का मेन मतलब है कि इस तरह से प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपनी गाड़ी में ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये जानना है। क्योंकि नया जो कैटकॉन है इसको अगर हम गाड़ी में फिट भी कर देंगे इस कंडीशन में तो तभी आपका गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जब तक नहीं सॉल्व होगा तो ये नया कैटकॉन भी डैमेज होगा। वैसे ये देख सकते हैं नया कैटकॉन इस तरह से कुछ दिखता है। तो ये कैथलेटिक कन्वर्टर या फिर जो कैटकॉन है, ये डैमेज होने का मेन रीज़न है इम्प्रॉपर कम्बशन। जैसे ही इंजन में इम्प्रॉपर कम्बशन होगा, जो अनवन फ्यूल है वो कैटकॉन या फिर कैथलेटिक कन्वर्टर में आने के बाद वो जल जाएगा। और जैसे ही वो कैटकॉन में जलेगा तो कैटकॉन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगा और एक्सेसिव ओवरहीट होने के कारण ही ये कैटकॉन सिस्टम डैमेज होता है। लेकिन ये अनवन फ्यूल जो आ रहा है इसके कैटकॉन तक आने का भी और रीज़न रहता है, जैसे कि एग्जॉस्ट लीक, एग्जॉस्ट वाल्व अगर लीक रहेगा तो जाके ये कैटकॉन सिस्टम में आने की चांसेस है। लेकिन मेनली जो कॉमन रीज़न होता है, अगर इंटरनली इंजन का कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर कंप्रेशन नहीं है, तो तब जाके ये एक्सेसिव अनवांटेड फ्यूल कैटकॉन में आने की चांसेस है। इसको छोड़ के नॉर्मली अच्छा गाड़ी में भी जो होता है, जैसे कि इंजन तो बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी इग्निशन सिस्टम जो है वो अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा तो तब उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होने की चांसेस है। इम्प्रॉपर इग्निशन या फिर जो फ्यूल गाड़ी में यूज़ हो रहा है वो फ्यूल की क्वालिटी अगर सही नहीं होगा तो तब भी जाके ये फ्यूल सही से जलेगा नहीं और ये अनवन फ्यूल कैटकॉन में आके जलेगा तो ये एक्सेसिव ओवरहीटिंग होके कैटकॉन को डैमेज करेगा। और इस गाड़ी में जो ये प्रॉब्लम होने की जो मेन रीज़न था, मैंने कस्टमर से बात करते हुए ये मतलब जाना है कि गाड़ी एक टाइम में डीजल और पेट्रोल मिक्स हो गया था। वैसे ये पेट्रोल गाड़ी में और इस तरह का जो कंसर्न है ये ज़्यादातर केस में ये पेट्रोल गाड़ी में ही होता है। तो ये पेट्रोल गाड़ी में एक बार ऐसा हुआ था कि कस्टमर गलती से डीजल डाल दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ही डीजल इसके अंदर गया था तो उस कंडीशन में कस्टमर ने इसको इग्नोर करके नॉर्मल फिर से फुल टैंक पेट्रोल कर दिया और गाड़ी को रन कर दिए। तो आगे जाके थोड़ा बहुत वाइब्रेशन, नॉकिंग ये सब तो गाड़ी में हुआ है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद गाड़ी फिर एज यूजुअल नॉर्मल हो गया। और कंटिन्यू 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद फाइनली जाके ये प्रॉब्लम हुआ है कि गाड़ी, जब उन्होंने पोल्यूशन के लिए चेक करने के लिए लेके गए तो गाड़ी का पोल्यूशन फेल हुआ है। तो इस केस में मेनली ये जो प्रॉब्लम हुआ है ये गलत फ्यूल डालने की वजह से ही हुआ है। पहले भी मैं कई बार ये बात बताया कि गाड़ी की जो फ्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी गाड़ी अगर अनयूज्ड है तो आप उतना का ही फ्यूल भराए ताकि एक महीने में आपकी गाड़ी की जो फ्यूल है वो रोटेशन हो पाए। और सबसे बेटर तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी फ्यूल मतलब गाड़ी में डलवाए तो प्रीमियम क्वालिटी का जो फ्यूल आता है उसी को डलवाए। इससे आपकी गाड़ी की जो फ्यूल है उसकी लॉन्जिविटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप नॉर्मली गाड़ी में जब भी फ्यूल यूज़ करें तो एक चीज़ याद में रखिए कि गाड़ी 20-25 दिन या फिर एक महीने में जो फ्यूल डाल रहे हैं उसको रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी गाड़ी की अगर वाल्व पर स्टिकिंग का प्रॉब्लम है या फिर इस तरह का जो कैटकॉन डैमेज है ये सब नहीं होगा, अननेसेसरी कॉस्ट नहीं बढ़ेगा गाड़ी में।
तो मैं ये आप जो कस्टमर है उनके लिए यही मेरा मैसेज था इस वीडियो से। और आगे आप बात करते हैं, जो भी मेरा टेक्नीशियन भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह के केस अगर आपके पास कभी भी आता है गाड़ी पॉल्यूशन फेल, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर गाड़ी में आप पॉल्यूशन चेक करने के लिए कैटकॉम सिस्टम जो है उसको साइलेंसर खोल के चेक कीजिए, मतलब ये करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आपको। इसके लिए गाड़ी का जो मतलब जो नॉर्मल स्कैनर होता है या फिर जो GDS सिस्टम होता है उससे आप इजीली बिना कैटकॉम खोले इसको फाइंड आउट या फिर चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की कैटकॉम सिस्टम जो है वो कैसा है। अगर सही है तो उसकी डेटा आपको कह देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गाड़ी की जो ऑक्सीजन सेंसर है, नॉर्मली अभी का जो सारा गाड़ी है उसमें दो तरह के ऑक्सीजन सेंसर यूज होता है, एक अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर और दूसरा जो है वो डाउनस्ट्रीम कंट्रोल ऑक्सीजन सेंसर। तो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर जो है उसकी अगर आप डेटा को रीड करेंगे आपको ग्राफ में, दोनों को पहले आप फिक्स्ड करके उसको ग्राफ मोड में लेके आइए, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर है उसकी वोल्टेज 50 मिली वोल्ट से लेके 900 मिली वोल्ट तक ये फ्लैक्चुएट करता रहेगा कंटिन्यूअसली। कभी 50 मिली वोल्ट दिखाएगा तो कभी 700 मिली वोल्ट दिखाएगा, तो इस तरह से ये हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहेगा। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम को आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एक स्पीड में ही चलता रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 400 मिली वोल्ट या फिर 425 मिली वोल्ट, कभी कभी ये 500 मिली वोल्ट, तो ऐसा फ्लैक्चुएट हल्का सा फ्लैक्चुएट होगा, वो अप डाउन ऐसा मूवमेंट उसमें ग्राफ में कभी भी नहीं आएगा। अगर आप दोनों की जो ग्राफ है उसको कंपेयर करेंगे और आपको दिख रहा है कि दोनों का ग्राफ सेम टू सेम दिख रहा है, जैसे कि अपस्ट्रीम का जो ग्राफ अप डाउन हो रहा है फ्लैक्चुएट हो रहा है, उसी तरह का डाउनस्ट्रीम का भी ग्राफ इसी तरह से फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये बहुत इजीली मतलब श्योर हो जाएंगे कि गाड़ी का जो कैटकॉम सिस्टम है ये सही से काम नहीं कर रहा है और इसी की वजह से गाड़ी में इस तरह का जो पॉल्यूशन फेल है ये हो रहा है। और उस केस में आपको श्योर मतलब और 100% श्योर होने के लिए तब जाके आपको गाड़ी की जो कैटकॉम मतलब जो साइलेंसर पाइप है इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का ही ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है और इस गाड़ी का कैटकॉम सिस्टम डैमेज है, तो इसीलिए मैं खास करके इसको रिकॉर्ड करके रखा ताकि आप लोगों को ये समझा पाऊँ। तो अगर इस तरह से आपको देखता है मतलब दिखता है और एक्सेलेरेशन देने पे इस तरह का देखिए दोनों का ही ग्राफ बिल्कुल सेम है, तो इसमें आप एकदम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि इसका कैटकॉम डैमेज है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मैंने कोशिश किया जो कैटकॉम सिस्टम डैमेज के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।